तब तक दौलत हलाल नहीं होती जब तक कि अल्लाह का हुक्म मान के ज़कात नहीं दे दो। ये दौलत हराम है, हलाल कौन सी है जिससे आप ज़कात दे दो, जिससे आप ज़कात दे दोगे। ये बाकी दौलत हराम की है, जब ज़कात नहीं दे दोगे तब तक पाक ही हो जाएगी। फिर आगे आप लोगों की फसलें आ गई हैं, अल्लाह कहता है मैं सब कुछ बताया, मैं तुम कुरान में सब कुछ है, मेरे नबी ने सब कुछ बताया, ये मौलाना साहब सब कुछ बताते हैं। क्या आपको रिज़्क अल्लाह कहता है मैंने दिया है, वाफर कट्ठा हो गया, आप इसको क्या करते हो कट्ठे करके दर रख देते हो। नहीं, आप ये पथ लगाना सुन्नत है मेरे नबी की, पथ लगाओ। कोई टब ले लो, पथ नहीं है, पहले वक्त में पथ होते थे। अब आप क्या करो, कोई बर्तन ले लो, उससे नाप कर नौ पथ अपनी बोरी में डालो, दसवां खुदा की बोरी में डालो, दसवां हिस्सा अगर नहीं निकालोगे तो रिज़्क पाक नहीं होगा। ना उससे नमाज, ना उससे इबादत, ना उससे हज, ना उससे खैरात, ना उससे खत्म पढ़ाते हो कबूल होता है। भाई इसको पाक करो, गरीबों का हिस्सा रखा अल्लाह ने। तो दूसरा सवाल मैंने बता दिया था कि अल्लाह ने कहा औरतों के हकूक का ख्याल रखो, भाई इनके मेहर अदा कर दो, ये भी मुसीबत वाले की। तीसरा क्या क्या मस्कीन का ख्याल रखो, मस्कीन का बता ना दिया उशर, ये मस्कीन का हक है, गरीब का हक है। इसके बाद एक अभी मुझे बोलना था कि सदका क्या चीज है, यह उशर के अलावा होता है। सदका आप एक किलो दे दो या पांच किलो दे दो, इसमें कैद नहीं है, मगर इसमें कैद है कि दसवें हिस्सा देना पड़ेगा। आप कुछ लोग इसमें फिका के मसायल में कहते रहते हैं नीचे बीसवा हिस्सा, वो बीसवा वो है जो कंधे पर उठा के आप पानी डालोगे या घोड़ों पर लाद के पानी डालोगे, बीसवा हिस्सा। बाकी दसवा हिस्सा नहर आ रही है पीछे, दरवा अल्लाह का आ रहा है, बारिश अल्लाह की आ रही है, हमें कोई एक महीने मुसीबत होती है, बाकी अल्लाह बारिश देता रहता है ना। तो इसलिए ये छोटे छोटे मसायल जो है ना, ये सुन के इन पर अमल करो। पढ़ तो हर एक सकता नहीं है, ये मेरा तजर्बा है, किसी के पास किताब नहीं है, किसी के पास मौका नहीं है, किसी के पास कॉलेज नहीं छोड़ रहा है, किसी को स्कूल नहीं छोड़ रहे, किसी को टाइम की नींद आ रही है, किसी को पैसे नहीं छोड़ रही है, किसी को माल मवेशी नहीं छोड़ रहा है, तो परेशानी है ना। तो मगर ये जो बातें जुमा के दिन आप सुनते हो ना, इन पर चार छह बातें भी अगर समझ में आ गई तो इन पर अमल कर। क्या मैंने पहली बात क्या बताइए, पांच वक्त मेरे अल्लाह का दीदार कर, पांच वक्त करोगे वादा नहीं कराता हूं, कुछ छूट भी जाते हो, दिल में तैयार करो, मुझे नहीं पता है अपने लिए। दूसरी बात, हर रात को तीन बजे के बाद तहज्जुद में खड़े हो जाओ, जो मांगना है अल्लाह से, जो मांगना है मांग लो, मेरा अल्लाह देगा, बुराई नहीं देगा। भाई बदवा किसी के लिए करोगे नहीं कबूल करेगा, अच्छाई जो भी मांगोगे हमारे लिए भी अपने लिए भी तो अल्लाह कबूल करेगा। ठीक है, ये दो बातें मैंने बताई। तीसरा क्या बताया, उशर दे दो अपने हलाल कमाई से। तीसरा चौथा मैंने बताया, अपने पैसों से ज़कात दे दो। आपको मेरे मुझे करोड़ रुपए भी आमदन महीने की हो, अल्लाह ने एक ही मुकर कर दिया, सौ रुपए बढ़ाई। आप बोलोगे मुझे ज्यादा दौलत है तो छह रुपए दे देंगे, वो पूरी कबूल नहीं हो जाएगी, वो नहीं कबूल, ढाई रुपए अल्लाह का अल्लाह रख दिया इसे, ढाई के साथ से जितना बनता है आप दे दो। ठीक है नी, तो इसलिए ये कुछ कानून है अल्लाह के, ये कुरान में सब बताए हुए हैं, मौलाना सब बताते रहते हैं आपको, फतीम साहब आ चुके हैं, मैं इनका टाइम ना जाया गुर्ती करते हुए इनको दावत देता हूं कि ये आगे आए, ये आपको समझाएं, इनकी ज्यादा समझ आती है हमें, क्योंकि ये पढ़ के सुनाते हैं। तो वमा अलैना बिलाल, अल्लाह हमें अमल की तौफीक, अल्लाह हमारे दिल ठीक करे, इत्तेफाक दे पांच वक्त नमाज में। मैं फिर ऐलान करता हूँ कि इस मस्जिद के चारों तरफ जितने नमाजी हैं, खुदा के लिए, खुदा के लिए मैं आज बरी हो गया, मैंने खतीब साहब को भी गुआ रखा है, मैं किसी के घर में जा नहीं सकता, अपने लिए नमाज में आ जाओ, मत क्यामत के दिन मुझे पकड़ेंगे कि भाई इस मौलवी ने बताया नहीं। बस सीधी बात है, आप अपने लिए आ जाओ, मैं आज बरी हो गया।